ऐसी तीन स्कीम्स जो कि ना सिर्फ हमें करोड़ों का कॉर्पस बनाने में हेल्प करेगी बल्कि लाखों तक का टैक्स भी बचाने में बहुत हेल्प करेंगी। कौन सी है वो तीन स्कीम्स, जानेंगे इस वीडियो में। हमने बहुत से टैक्स पेयर्स को देखा होगा कि फाइनेंशियल ईयर एंड पर लास्ट मिनट हरी में होते हैं, जो कि जल्दी से कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट मिल जाए जिससे वो अपना टैक्स बचा सके। हालांकि इससे पहले कि आप अपनी मेहनत की कमाई को किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में ऐसे ही इन्वेस्ट कर दो, आपको कंपेयर करने के लिए टाइम निकालना चाहिए और अपने रिस्क एपेटाइट एंड रिटर्न एक्सपेक्टेशंस की उम्मीदों के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। आइए इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C के अंडर जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके बारे में जानते हैं और साथ ही ये भी कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट होगा ये भी देखेंगे हम आज के वीडियो में। हेलो एवरीबॉडी, आई एम आस्था सेठी एंड यू वाचिंग जोश मनी। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एक ऐसी स्कीम जो कि आपको 1.5 लाख रुपीस तक सेव करने में हेल्प कर सकती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ये मैनेज की जाने वाली स्कीम है। तो ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत ही पुराना है क्योंकि ये स्कीम 1968 में शुरू की गई थी और ये स्कीम सबसे सेफेस्ट मानी जाती है, मतलब कि इसमें इन्वेस्ट किया गया अमाउंट और रिटर्न दोनों सेफ है और सेक्शन 80C के अंदर टैक्स डिडक्शन के लिए भी ये एलिजिबल है। सबसे खास बात यह है कि PPF भले ही एक अकाउंट है लेकिन इसके फायदे बहुत सारे हैं। ये फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने का एक शानदार प्लान है। अगर आप इसके बेनिफिट्स की बात करें तो PPF में छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके उस पर रिटर्न अर्न किए जा सकते हैं। जनरली PPF की ड्यूरेशन 15 years की होती है और इसे 5 और ईयर्स तक एक्सटेंड करवाया जा सकता है। PPF अकाउंट की मेच्योरिटी 15 साल में तो होती ही है, मतलब कि आप 15 साल से पहले अपने पैसों को नहीं निकाल सकते। 15 साल तक जमा किया हुआ जो पैसा है उस पर इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाता है और फिर उस पर ब्याज मिलता है। 15 साल के बाद इस खाते को 5-5 साल के लिए अपने जरूरत के हिसाब से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि अकाउंट ओपन करवाने के 5 साल के बाद आप जरूरत के समय मैच्योरिटी से पहले भी अपने अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। PPF अकाउंट पर हर 3 महीने में सरकार इंटरेस्ट रेट जो है उसको चेंज करती है। अगर हम इस क्वार्टर यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर की बात करें तो इस पर करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7.1% का। अब अगर हमें अपना मंथली इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग अपना कॉर्पस कैलकुलेट करके देखना है तो इसको एक एग्जांपल के तौर पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं PPF कैलकुलेटर, जिसमें कि इंटरेस्ट रेट 7.1% है जो कि करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट 15 years और मंथली डिपॉजिट जो भी आप चाहते हैं आप इसमें एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर 10,000 rupees रखा है। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 15 साल के बाद आपका टोटल कॉर्पस 32 लाख का होगा, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट 18 लाख की है और टोटल इंटरेस्ट भी आपको मिला है अप्रोक्सीमेटली 14 लाख का। अगर आपको PPF की इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जोश मनी का ये वाला वीडियो आप जरूर देखें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगला ऑप्शन है ELSS, एक ऐसी स्कीम जिसमें हमें मॉडरेट रिस्क के साथ हाई रिटर्न्स मिलते हैं और फंड मैनेजर्स हमारा इन्वेस्टेड पैसा मैनेज करते हैं। अब काफी लोग ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम को टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड स्कीम भी कहते हैं। ELSS PPF की तरह इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है और आप 1.5 लाख रुपीस तक का डिडक्शन इस पर क्लेम कर सकते हैं। ELSS फंड का लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है, लॉक इन के अंडर आप इस स्कीम से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। अब ज्यादातर फंड हाउसेस लोगों को मिनिमम 500 रुपए के साथ भी इसमें स्टार्ट करने की इजाजत देते हैं। टैक्स सेविंग फंड्स में इन्वेस्टमेंट की मैक्सिमम लिमिट नहीं है लेकिन सेक्शन 80C के अंडर एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 1.5 लाख रुपीस तक का ही डिडक्शन हम इस पर क्लेम कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद स्कीम से अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। मौजूदा टैक्स लॉ के अनुसार इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 1 साल से ज्यादा वक्त के लिए अगर पैसे लोग लगाते हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। अब एक फाइनेंशियल ईयर में अगर ELSS म्यूचुअल फंड से गेन 1 लाख रुपीज से ज्यादा हुआ है तो बिना इंडेक्सेशन बेनिफिट 10% टैक्स लगता है। ELSS में आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का मैक्सिमम पार्ट म्यूचुअल फंड कंपनीज जो है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। अब इसी वजह से टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट के कंपैरिजन में थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है इसमें। टैक्स सेविंग FD में इन्वेस्टमेंट के टाइम ही रिटर्न की जानकारी मिल जाती है, वहीं पर ELSS स्टॉक मार्केट के बेसिस पर रिटर्न्स देता है जो कि ऑन एन एवरेज 15-20% होता है। अगर आपको ELSS की इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जोश मनी का ये वाला वीडियो जरूर देखें, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। NPS एक मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को 2004 में स्टार्ट किया था। इसमें रिस्क मॉडरेट होता है और आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पर रिटर्न्स 9 से लेकर 12% तक मिल जाते हैं।
जो कि पोस्ट रिटायरमेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। एनपीएस में हर फाइनेंशियल ईयर में अप टू 1.5 लाख रुपीस तक की इन्वेस्टमेंट सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल होती है और सेक्शन 80CCD 1B के अंडर एडिशनल 50,000 रुपीस तक का भी टैक्स डिडक्शन जो है हम वो क्लेम कर सकते हैं। एनपीएस से फाइनल विड्रॉल पर 60% अमाउंट टैक्स फ्री होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन की लिमिट 14% है। कोई भी एनपीएस सब्सक्राइबर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD 1 के अंडर ग्रॉस इनकम का 10% टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकता है। सेक्शन 80CCE के अंडर ये लिमिट 1.5 लाख तक की है। एन्युटी में इन्वेस्ट किए गए अमाउंट को भी टैक्स से पूरी तरह छूट है। एनपीएस में दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, टियर 1 और टियर 2, जिसमें से 60 इयर्स की एज तक आप टियर 1 से फंड्स विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर रिटर्न्स की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए, अगर आपकी एज 26 इयर्स है और आप मंथली 5,000 रुपीस इन्वेस्ट करते हैं, ऑन एन एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम 10% लेके चलते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पर आपका टोटल कॉर्पस की जो वैल्यू है वो होगी 1,91,41,384 रुपीस, जिसमें से 21 लाख आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है और 1,70,41,384 रुपीस आपका टोटल रिटर्न है और एक्सपेक्टेड मंथली पेंशन होगा 38,283 रुपीस। अगर आपको एनपीएस की इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जोश मनी का ये वाला वीडियो जरूर देखें, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर हम इन तीनों स्कीम्स को कंपेयर करते हैं तो रिस्क पीपीएफ में लो होता है, एनपीएस और ईएलएसएस में रिस्क जो है वो मॉडरेट होता है। लॉक इन पीरियड पीपीएफ में 15 इयर्स होता है, एनपीएस में 60 इयर्स तक होता है, ईएलएसएस में लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। अब अगर रिटर्न्स की बात करें तो पीपीएफ में ऑन एन एवरेज 7-8% तक रिटर्न्स हम अर्न कर सकते हैं, एनपीएस में ऑन एन एवरेज 9-12% और ईएलएसएस में 15-20% तक रिटर्न्स हमें मिल सकते हैं। टैक्स बेनिफिट्स तीनों स्कीम सेक्शन 80C के अंडर आती है, तो तीनों में ही आपको 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन जो है वो मिल जाएगा। अब अगर हम टैक्सेबल रिटर्न्स की बात करें तो पीपीएफ और एनपीएस में रिटर्न्स जो है वो टैक्सेबल नहीं होते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड ईएलएसएस में अगर प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा होगा तो 10% कैपिटल गेन टैक्स हमें जो है इस पे पे करना होता है। तो अगर आप भी टैक्स पेयर्स में से एक हैं तो इस वीडियो को सेव जरूर कर लें और साथ ही साथ जोश मनी को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिलहाल के लिए मैं आस्था चलती हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू।